हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट आइसक्रीम की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आता है। और सबसे अच्छी बात है, इसे हम कम सामान में और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और इसमें हम जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे आपको ईजिली मार्केट में मिल भी जाएगी। तो आप भी इसे घर पर बनाइए, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हम लेंगे 1/2 लीटर दूध। दूध आप टोंड या फुल फैट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और मैंने 250 ml का कप यूज़ किया है, तो मैं 2 कप दूध इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कोकोआ पाउडर। आपको ये भी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, चाहे तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। चीनी डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। मिक्स करने के लिए आप चाहे तो स्पैटुला या इस तरह का विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसमें जो हमने चीनी डाला था वो भी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो गैस ऑन कर लेते हैं, और अब इस पैन को हम गैस के ऊपर रखेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखें, और स्पैटुला की हेल्प से इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। और किनारों को भी इस तरह से क्लीन करते रहेंगे, ताकि दूध की जो मलाई है इसके किनारों पर या बीच में ना जमे, इसलिए लगातार चलाते रहें। ये देखिए, दूध में बॉयल आ गया है। अब इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर, अगर आप इसको लगातार चला रहे हैं तो आप गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें, ताकि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाए। और लगातार चलाते रहें जब तक कि ये आधी क्वांटिटी में ना रह जाए। लगभग 10 मिनट हो गए हैं इसको बॉयल होते हुए, और ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी थिक हो गई है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। अभी इसको हमें लगभग आधा होने तक गाढ़ा कर लेना है। इसको कुक करते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए काफ़ी थिक हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लीन लाइन आ रहा है स्पैटुला के ऊपर। तो ये मिक्सचर तैयार हो गया है। स्टोव को बंद कर देंगे, और अब इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो बीच बीच में चलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे से ना लगे, क्योंकि पैन अभी बहुत गर्म है, इसलिए इसको इस तरह से चलाकर ठंडा करना है। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, और इसकी जो थिकनेस है ये भी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो ये तैयार है। तो चलिए अब हम आइसक्रीम बनाने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल क्रीमी चॉकलेटी आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 3/4 कप व्हिपिंग क्रीम। ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल चिल्ड यूज़ करना है, और मैं जो ये व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ इसमें चीनी पहले से ही डला हुआ है, और ये नॉन डेयरी है। आपको बेकरी शॉप में भी मिल जाएगा, और चाहे तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल देंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इस क्रीम को फेंटने के लिए आप चाहे तो इस तरह का हैंड विस्क यूज़ कर सकते हैं। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट इससे भी क्रीम बहुत अच्छे से विस्क हो जाता है। और या आप इस तरह का इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ। अब क्रीम को हम लो से हाई स्पीड में तब तक विस्क कर लेंगे जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स ना आ जाए। फ्रेंड्स, अगर आप व्हिपिंग क्रीम बिना चीनी डाला हुआ यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पीसी हुई चीनी थोड़ा थोड़ा करके डाल करके इस तरह से बीट कर ले, या आप चाहे तो इसमें लगभग 1/2 कप पीसी हुई चीनी डाल सकते हैं। क्रीम को फेंटते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए इसमें सॉफ्ट पीक्स आ गया है। अब इसमें डालना है कोको पाउडर और दूध का मिक्सचर जो हमने पहले से तैयार करके रखा था। 2 बार में इसको डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको व्हिपिंग क्रीम ना मिले तो आप इसके जगह पर जो अमूल की क्रीम आती है ना, जो लो फैट वाली, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल चिल्ड यूज़ कीजिएगा। उसमें फ़ैट थोड़ा कम होता है, इस वजह से इतना क्रीमी तो नहीं बनेगा आइसक्रीम, लेकिन हाँ, उससे भी बहुत अच्छी आइसक्रीम बन जाती है। तो ये जो मैंने बचा हुआ मिक्सचर है उसको भी डाल दिया है, और इसको अच्छे से एक बार फेंट देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अमूल क्रीम की जो लो फैट वाली क्रीम होती है उससे आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने बटर स्कॉच की आइसक्रीम उसी क्रीम से बनाई है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। एक बार स्पैचुला से भी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत क्रीम जो है नीचे की तरफ रह गई है, जो अच्छे से मिक्स नहीं हुई है। ये क्रीमी चॉकलेटी आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको जमाने के लिए हम इस तरह का लिड वाला कंटेनर ले लेंगे। आप चाहे तो बोल में भी जमा सकते हैं, लेकिन उसे कवर करने के लिए फॉइल पेपर का यूज़ कीजिएगा, ताकि आइसक्रीम के ऊपर आइस क्रिस्टल्स ना जमें। आइसक्रीम का 1/2 मिक्सचर हम डालेंगे इस कंटेनर में, और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट सिरप। आपको ये भी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। वैसे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर डालते हैं तो आपका चॉकलेट आइसक्रीम और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। चाहे तो आप घर पर भी चॉकलेट सिरप बना सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब चॉकलेट सिरप को आइसक्रीम के मिक्सचर में इस तरह से मिक्स कर लें।
अब ये जो बचा हुआ आइसक्रीम का मिक्सचर है इसको भी इसके ऊपर डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप स्प्रेड कर देंगे इस तरह से और मिक्स कर देंगे। चॉकलेट सिरप इस तरह से डालने से आइसक्रीम के बीच में आपको बहुत अच्छा सा चॉकलेटी फ्लेवर आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। अब इसको लिड लगा करके रखेंगे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में, या आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी जमने के लिए रख सकते हैं। आइसक्रीम को मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज कर दिया था और ये अच्छे से जम चुकी है। देखिए, आइसक्रीम देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब इसे स्कूपर की हेल्प से स्कूप आउट करेंगे और सर्व कर लेंगे। सर्व करने से पहले आप चाहें तो इसको थोड़ा सा चॉकलेट सिरप से गार्निश कर लें, या आप चाहें तो चॉकलेट चिप से भी गार्निश कर सकते हैं, या कुछ नहीं भी डालेंगे तो भी ये आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, बहुत पसंद आएगा आपको। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके भी बताना कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं एक इजी डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।